the ideal concept. अब उदाहरण नंबर दो देखेंगे। इसका क्वेश्चन है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी एबी और सीडी भुजाएं समांतर हैं और एबी और बीसी भुजाएं असमांतर हैं। तो असमांतर भुजाओं पर ई और एफ एक बिंदु है जिसको मिला दिया गया है, जिससे क्या ई एफ जो है एबी के समांतर हो गया। ई एफ एबी के समांतर हो गया तो सिद्ध क्या करना है, AE बट्टा ED is equal to BF बट्टा FC, यानी AE बट्टा ED बराबर है BF बट्टा FC के। इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, यहां से दोनों AC को मिला देते हैं, A और C को मिला देते हैं, सॉरी तो यहां पर दिया क्या है, दिया है AB समांतर CD समांतर EF, ये दिया है। सिद्ध करना है, वो लिखा हुआ है सिद्ध करना है AE बट्टा ED बराबर BF बट्टा FC। इसके लिए हमने एक थोड़ा सा रचना किया है, रचना क्या किया है, ए को सी से मिलाया है, ए को सी से मिलाया है। अब देखिए ए को सी से जो ही मिलाया हमें दो त्रिभुज प्राप्त, एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ए बी सी और दूसरा त्रिभुज प्राप्त हुआ ए बी सी। तो अब हम चलेंगे परमाण की ओर चलेंगे, तो पहले चलेंगे त्रिभुज एबीसी में, ये जान रहे हैं कि इसके समांतर है ना, तीनों आपस में समांतर है। तो एबीसी में चलेंगे तो हम यहां पर नाम दे देते हैं, ओ नाम दे देते हैं, ओई समांतर डीसी, इसलिए ए बट्टा ईडी बराबर एओ बट्टा ओसी। अब याद कीजिए थेल्स प्रमेय यही कहता है कि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो दोनों भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां पर देखिए दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है ईओ, तीसरी भुजा के समांतर है, इसलिए एबी भुजा और एसी भुजा समानुपाती होगा, जब समानुपाती होगा तो दोनों का अनुपात समान होगा, तो इस भुजा का अनुपात है AE बटा ED और इस भुजा का अनुपात है AO बटा OC। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। अब चलिए दूसरे त्रिभुज, त्रिभुज ABC में वहां भी OF रेखा जो है एबी के समांतर, क्योंकि ई एफ जो है एबी के समांतर है इसलिए ओ एफ भी एबी के समांतर होगा। यहां लिखेंगे क्योंकि ओ एफ समांतर एबी इसलिए बी एफ बटे एफ सी इज इक्वल टू एओ बटा ओ सी। ये भी थ्योरम पढ़ने से मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर होती है तो दोनों भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहां भी है ये प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है और इसके समांतर है, इसलिए ये भुजा और ये भुजा समानुपाती होगा, इसलिए दोनों समानुपात में बट गए। अब हम देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर दो मान लेंगे। अब इक्वेशन नंबर एक और दो में देखेंगे कि दोनों का आरएचएस राइट हैंड साइड को देखेंगे, यानी दाहिने भाग को, ये जिसको मैं रेड से घेर रहा हूं उसे आपको देखना है, दोनों सेम है
OC यहां भी है इक्वेशन नंबर एक में भी राइट हैंड साइड में और AO बटे OC इक्वेशन नंबर दो के राइट हैंड साइड में। यानी अगर किसी इक्वेशन का कोई एक साइड दो इक्वेशन का बराबर हो तो ऑटोमेटिक जो है सो दूसरा साइड बराबर हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। कहां से? इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू से। यहां पर लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से। AE बटा ED इज इक्वल टू BF बटा FC। उदाहरण संख्या तीन अब हम लोग देखेंगे। इसमें क्वेश्चन है कि PS बटे SQ बराबर है PT बटे PR यानी दोनों भुजाएं समानुपाती हैं तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ ये हमारा दिया है। तो सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज जो है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे वो देखिए। दिया क्या है? दिया हुआ है PS बटे SQ इज इक्वल टू PT बटे TR एवं कोण PST इज इक्वल टू कोण PRQ ये दिया हुआ। प्रमाण और सिद्ध क्या करना है देख लीजिए। सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ये सिद्ध करना है। हम लोग प्रमाण भी चाहते हैं प्रमाण भी है दिया हुआ है उसको लेकर के चलेंगे प्रमाण में आसानी से बताएंगे। पहला क्या दिया हुआ है चूंकि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR अब आपको याद करने की जरूरत है थेल्स प्रमेय का विलोम यानी प्रमेय 6.2। क्या है 6.2? यदि किसी त्रिभुज के भुजाएं दो भुजाएं समानुपाती हो तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको याद करेंगे तो यहां आप देखिए दिया हुआ है कि ये दोनों भुजाएं समानुपाती हैं ये दिया हुआ है तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ST है तो ये तीसरी भुजा की क्या होगी समांतर होगी। ST समांतर QR इसलिए ST समांतर QR। अब हम लोग थोड़ा सा नाइन्थ क्लास में चलेंगे तो समझ में आसानी से है। बैक क्लास में क्लास चलते हैं नाइन्थ में आप प्रमेय पढ़ लीजिएगा प्रमेय नहीं अधिग्रहित पढ़ लीजिएगा कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाली त्रिअक्षेदी रेखा जो है जो एक त्रिअक्षेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं ये अभिग्रहित है और एकांतर कोण बराबर होते हैं ये प्रमेय है। तो अभिग्रहित में था कि दो समांतर रेखा इसको एक त्रिअक्षीय रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण कहते हैं किसको है तो संगत कोण होता है कि पैरेलल लाइन के ऊपर का कोण संगत कोण या फिर नीचे का कोण संगत कोण दोनों तरफ से होता है एक साइड से ऊपर से बता दिया एक साइड से नीचे से बता दिया तो इसको भी संगत कोण कहेंगे और इसको भी संगत कोण है। तो आप यहां देखिए ST और QR समांतर रेखा है यहां थेल्स प्रमेय के विलोम से
पर मैं ये बिलोंग्स, ये समांतर है और इसको एस क्यू एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा काट रही है तो पैरेलल लाइन के ऊपर ये कोण और इस पैरेलल लाइन के ऊपर ये कोण दोनों कौन सा कोण हुआ? संगत कोण। नहीं डिनोट कर देता हूं संगत। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां लिखेंगे इसलिए कोण बी एस टी इज इक्वल टू कोण पी क्यू आर संगत कोण से। या फिर ट्रायंगल के बराबर संगत कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। परंतु दिया हुआ क्या है? दिया हुआ कि कोण PST जो है कोण PRQ के बराबर है। ये दिया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप, ये दिया है। अब इसमें देखिए, इसको इक्वेशन एक मान लीजिए और इसको इक्वेशन दो मान लीजिए। तो पुनः पिछले उदाहरण की तरह इक्वेशन एक का RHS और इक्वेशन दो का RHS, सॉरी RHS नहीं LHS, इक्वेशन एक का LHS और इक्वेशन दो का LHS सेम है। यहां भी कोण PST और यहां भी कोण PST। और अभी मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड बराबर होता है, इसलिए समीकरण एक तथा समीकरण दो से कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू। अब दोनों कोण बराबर हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं फिगर में, इसको मिटा देता हूं। फिगर में अब ये कोण इस कोण के बराबर पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी इस कोण ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गया। नाइन्थ में पढ़े थे समूह कोण की समूह भुजाएं बराबर होती है, समान कोण की समूह भुजाएं बराबर होती है। तो दोनों कोण समान है, इसकी समूह भुजाएं भी बराबर। समूह का मतलब होता है सामने, समूह का मतलब सामने, यानी आर जो ये कोण है इस कोण के सामने की भुजा पी क्यू और ये कोण है इस कोण के सामने की भुजा पी आर। कोण समान इसलिए भुजाएं भी समान, इसलिए लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर पी आर। और जब हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों उदाहरण समझ में आ गए होंगे। और पुनः मैं रिपीट करता हूं कि आपको अगर नहीं समझ में आते हो तो कमेंट करना ना भूलें, निश्चित रूप से कमेंट करें और पढ़ने के बाद भी कमेंट करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पढ़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद।